हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कवर अप किया था लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर क्या होता है। जैसे कि लिथोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा था? लैंड मास के बारे में पढ़ा था, यानी जो भी लैंड का एरिया है वो सारा हमने किसमें कवर अप किया था, यानी सॉलिड सर्फेस की बात की थी, वो सब चीज़ें हमने कवर अप की थी लिथोस्फेयर में। ठीक है, यानी जो भी लैंड मास एरिया है वो सारा हमारे लिथोस्फेयर में आता है। उसमें हमने दो देखा था कि एक तो होता है हमारा एक तो होता हमारा लैंड, ठीक है ठीक है, और एक होता हमारा ओशन बेसिन की बात, यानी हमने कॉन्टिनेंट्स की बात की थी और हमने एक ओशन बेसिन की बात की थी। अब मैम आप बोलो कि मैम आपने तो बोला कि आपने तो सॉलिड सर्फेस की बात की तो ओशन कैसे आएगा। मैंने ये वाली बात आपको पहले वाले वीडियो में भी क्लियर की थी कि जो ओशन बेसिन होता है उसके जो ओशन होते हैं यानी पानी के नीचे भी ज़मीन होगी। ऐसा नहीं कि प्रॉपर पानी होगा, पानी के नीचे कहीं ना कहीं तो सरफेस होगा, कहीं ना कहीं तो लैंड होगा। तो वही जो लैंड है वही लिथोस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिथोस्फेयर वो दो मेजर टाइप में डिवाइडेड होता है। एक तो हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स एंड सेकेंड हमारा क्या आता है ओशन बेसिन्स। ठीक है, आज हम कवर अप करेंगे हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। देखो हाइड्रोस्फेयर की बेसिकली बात करते हैं हम यहाँ पे वाटर की, यानी जो वाटर वाटर कवरिंग जो एरिया होता है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अबाउट 30% या 29% जो लैंड है वो लैंड होता, मतलब पूरे जो कि अर्थ में लैंड एरिया होता है, बाकी जो 71% होता है वो क्या होता है हमारा वाटर से कवर अप होता है। तो वो जो वाटर से कवर अप होता है वही क्या होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर होता है, वही एरिया हमारा क्या होता है हाइड्रोस्फेयर होता है। सो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू ब्लू प्लैनेट। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका मैक्सिमम जो एरिया होता है यानी टू थर्ड एरिया की बात करें तो वो कवर अप होता है ऑलमोस्ट वाटर से कवर अप होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एन ब्लू प्लैनेट, सॉरी कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 71% ज़्यादा जो जो वाटर एरिया होता है वो कवर्ड बाय द वाटर, यानी वाटर से कवर्ड होता है वो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर हम जो फ्रेश वाटर की बात करें जो हम पी सकते हैं यानी ह्यूमन यूज़ के लिए हम बात करें, तो वो ओनली कितना है? वो सिर्फ है हमारे पास 2.5% हमारा जो वाटर एरिया है वो वाटर है वो हमारा सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज जो एरिया 97% हम बात करें जो वाटर की अर्थ जो अर्थ में वाटर है 97% वो हम वो पीने लायक नहीं होता है क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जैसे हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर कोई भी हाइड्रोस्फीयर है हमारे अर्थ में वो किसी शेप में भी हो सकता है, जैसे कि आइस जो आइस शीट्स होती है उसके ऊपर भी हो सकता है, ग्लेशियर्स के रूप में भी हो सकता है, रिवर्स के, लेक्स के, इन सब के रूप में भी हमें जो ये हाइड्रोस्फीयर आपको मिल सकता है। यानी हाइड्रोस्फीयर जो वो कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, रनिंग वाटर हो गया ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, आइस होगी, ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर की बात करें हम, ठीक है, वाटर वेपर की बात करें, एटमोसफेयर, तो ये सारा क्या होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोर देन 97% जो अर्थ का जो वाटर होता है इज फाउंड इन द ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। यानी 97% हम अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो जो हम उसकी बात करें तो वो जो है वो ओशंस में मिलता है आपको। 97% जो वाटर अर्थ का वो आपको ओशंस में मिलेगा, बहुत सॉल्टी होता है ह्यूमन यूज़ के लिए। तो जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आई शीट्स। अब जो कुछ जो लार्ज प्रपोर्शन होता है और जो वाटर का जो बच गया है वो आई शीट्स में होता है या ग्लेशियर्स में होता है या तो वो अंडरग्राउंड वाटर में होता है यानी अंडर द ग्राउंड होता है। ए वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर, बहुत कम परसेंटेज में हमें मिल सकता है फ्रेश वाटर। ठीक है, फॉर ह्यूमन यूज हैंस डिस्पाइट बींग ए ब्लू प्लानट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी हमने बोला कि जो अर्थ है वो ब्लू प्लानट है लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं? शॉर्टेज ऑफ वाटर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्यों देख रहे हैं? ब्लू प्लानट तो हमने बोल दिया, हमें मालूम है कि वाटर से कवर अप है, लेकिन क्या वो वाटर हमारे लिए यूजफुल है? क्या हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें फेस कर रहे हैं, इसी कारण हम फेस कर, क्योंकि हमारे लिए जो वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ओनली कितना है? 2.5%। यानी जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास कितना है? 2.5%। यानी 97.5% की बात करें तो वो जो ओशंस का जो सॉल्टी वाटर होता है वही कवर अप कर लेता है, जो हम पी सकते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं वो तो सिर्फ कितना है? 2.5%। इसलिए डिस्पाइट जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी हम क्या करते हैं? वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है,
तो आई होप आपको ये हाइड्रोस्फीयर जो है वो अच्छे से समझ आ गया कि हमने हाइड्रोस्फीयर में क्या पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर बेसिकली किसकी बात करता है, वाटर कवर एरिया की बात करता है, कि कितना अर्थ सरफेस में वाटर है। तो हम यहाँ पे जो अर्थ जो वाटर से कवर अप करता है जो भी एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।